एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं आज आपको 28 मार्च के 28 मार्च 2022 के द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने शॉर्ट नोट में उतार लेना है तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाला आपने जो देखा नॉर्थ ईस्टर्न रबर वेव रिवाइव केरला नर्सरीज उसमें आपको बस ये लिख लेना है नॉर्थ रबर वेव रिवाइव कर रहा है केरला नर्सरीज को और लाख लैक ऑफ जो लाख हैं सेपलिंग रेडी किए जा रहे हैं प्लांटेशन करने के लिए सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ठीक है ये लिख लेना है दूसरा देखते हैं क्या आपको मेंशन करना है आपको ऐसे मेंशन करना है अगर कई बार हेडिंग ही ऐसी होती है कि जिससे हमको पूरी स्टोरी याद आ जाती है तो उसको एज इट इज़ उतार लेना है और अगर कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली जो आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है वो भी आपको लिख लेना है जिससे एग्जाम के टाइम में आप अगर जब रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहें है। देखते हैं आगे ये वाला जो है कि यू एस कट अ डील विथ ई विस अ विस एल एन जी ठीक है ये मैंने आपको इसके पहले वाला जो वीडियो डाला है मैंने आज का अट्ठाईस मार्च का तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस मैं उतना एक्सप्लेन मैंने आपको किया हुआ है तो आप इसमें क्या नोट नाउन करना है इसमें लिख लीजिए यू एस वि सप्लाई एल एन जी एट लीस्ट फिफ्टी बी सी एम टू ई अनटिल ट्वेंटी थर्टी तो ये बता रहे हैं कि जो यू एस है यूनाइटेड स्टेट है वो सप्लाई करेगी एल एन जी ठीक है कितनी एल एन जी एल वो सप्लाई करेगी फिफ्टी बी सी एम ई यू को कब तक दो हज़ार तीस तक ये क्या होगा जिससे कि रिड्यूस हो यूरोपियन की जो डिपेंडेंसी है रशिया पे रशिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो डिपेंडेंट है रशिया पे एनर्जी एक्सपोर्ट को लेके तो उससे डिपेंडेंसी उनकी कम होगी और एक न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा क्रिमिनल इन्फ्लुन्स जो यूरोप में है उस चीज़ को लेके और यूरोप जो है वो रिलाई करता है रशिया एक्सपोर्ट पे अबाउट फोर्टी परसेंट और नेचुरल गैस और जैसे कि वो गैस पे भी फोर्टी परसेंट इसके नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट पे जो यूरोप है वो रशिया पे रिलाई करता है मतलब निर्भर करता निर्भर है उस पर तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जर्मनी और दूसरी ईस्टर्न जो यूरोपियन आ, जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है कि वो डिपेंडेंट है रशिया पे कितना ज़्यादा एट्टी परसेंट नेचुरल गैस नीड के लिए वो डिपेंडेंट है तो ये आपको लिख लेना है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है क्यों यूएस आतिमा जिससे यूरोप जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस में न रहे रशिया के आगे देखते हैं उसके बाद ये वाला न्यूज़ है इंडियन स्पेस इकोनॉमी वैल्यूड एट थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर करोड़ ठीक है उसको भी आपको एज इट इज लिख लेना है कि इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो है उसकी वैल्यू आई है छत्तीस हजार सात सौ चौरानबे करोड़ ठीक है उसके बाद ये वाला है सुप्रीम कोर्ट सीख्स फुल प्रूफ नॉर्म्स टू आइडेंटिफाई एस टीज इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके बाद फुल प्रूफ नॉर्म होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डिल ट्राइब में बिलोंग करता है तो ये वाला एज इट इज़ ए उतारनी है सुप्रीम कोर्ट सीख फुल प्रूफ नॉर्म्स टू आइडेंटिफाई एस टीज उसके बाद जुडिसरी नो लॉन्गर ऑफ एफिनिटी टेस्ट एफिनिटी टेस्ट पे नहीं है ठीक है शिफ्ट की वो नो लॉन्गर ऐसा करने वाली है कि फिर जैसे वो सीधा शिफ्ट कर जाए कि इस पर एंथ्रोपोलॉजिकल और एथनोलॉजिकल चीज़ पे ठीक है इस चीज़ को लेके था ठीक है तो जितना आपको लिखना ज़रूरी है जितना आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको शॉर्ट नोट में मैंशन करना है उतना मैं आपको बता देती हूँ तो अगर आपका मेरा ये सीरीज़ जो मैं आपको शॉर्ट नोट का बताती हूँ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ और अभी मैं वापस आ गई हूँ तो फिर से मैं आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ तो ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए ठीक है, है और वीडियो को देखिए नोट डाउन करिए और एग्ज़ाम आ ही रहा है ठीक है तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ